गए। जैसा आप सबको विदित है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पत्रकारों की जो कल्याण की योजनाएं थी उनमें संशोधन करके की बात कही गई थी, आज कैबिनेट के द्वारा उसे पारित किया गया। इसमें उनके सम्मान निधि में मिलने वाले 10,000 रूपये को बढ़ाकर 20,000 रूपया तथा सम्मान निधि प्राप्त करने वाले पत्रकार की मृत्यु होने पर उनकी पत्नी को एक मुश्त 8,00,000 रूपये दिए जाने का प्रस्ताव कैबिनेट के द्वारा मंजूर हुआ है। पत्रकार एवं स्वयं एवं उनके आश्रितों पर जो भगवान ना करे पर बीमार हो जाते थे वो आर्थिक सहायता को भी 20,000 से बढ़ाकर दोगुना 40,000, गंभीर बीमारी को 50,000 से बढ़ाकर 1,00,000 करने का निर्णय आज कैबिनेट के द्वारा लिया गया। इनकम टैक्स वाली शर्त भी उनकी जो थी वो हटा दी गई है। पत्रकार न्यास जो यहां पर बनने वाला है मीडिया सेंटर के नाम से, अगले हफ्ते माननीय मुख्यमंत्री उस मीडिया सेंटर की भी शिलान्यास करने वाले हैं और मुख्यमंत्री जी की इच्छा है समस्त प्रदेश के सभी जिला स्थान के पत्रकारों को उसमें बुलाया जाए और कार्यक्रम बड़ा किया जाए। इसी तरह से शिक्षा ऋण योजना जो मान्यता प्राप्त पत्रकार थे उसे 25,00,000 से बढ़ाकर इसे 30,00,000 रूपये करने का और जो बैंक से ऋण लिया जाएगा उसका 5% ब्याज का अनुदान 5 वर्ष के लिए राज्य सरकार वहन करेगा। इस योजना में जो बीमा योजना पत्रकारों की है उसको भी प्रीमियम भारत प्रीमियम के दर से राशि ली जाएगी। इस योजना के नए प्रावधान में 65 वर्ष से अधिक की उम्र के पत्रकार और उनकी पत्नी को बीमा का पूरा प्रीमियम राज्य शासन वहन करेगा। ऐसे अनेक और भी प्रस्ताव हैं जो इसमें पारित किए गए हैं। आज एक अन्य निर्णय में जबलपुर जिले की नवीन तहसील पोंडा का सृजन किए जाने का निर्णय आज कैबिनेट के द्वारा लिया गया है। इस निर्णय में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सहायक ग्रेड 2 और इस तरह से भृत्य वाहन चालक मिला के 17 पद भी स्वीकृत करने का इस जबलपुर की नवीन तहसील पोंडा के लिए आज कैबिनेट ने तय किया है। इसी तरह से जबलपुर में एक दूसरी तहसील कटंगी के सृजन का भी निर्णय आज कैबिनेट के द्वारा लिया गया है, जिसमें तहसील पाटन के और राजस्व निरीक्षक कटंगी के कुछ पटवारी हलके लिए गए हैं। ऐसे कुल 49 पटवारी हलके तहसील मजौरी में और 84 पटवारी हलके इसमें शामिल किए गए हैं। इसमें जो पद स्वीकृत किए गए हैं वो 17 पद स्वीकृत किए गए हैं, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, भरत कपरासी, ड्राइवर मिला के। रीवा जिले के जिला मऊगंज में नवीन तहसील देवतालाब का सृजन करने का आज कैबिनेट के द्वारा तय किया है और इसमें भी 85 हलके लगभग समाविष्ट होंगे और 17 पद इसके लिए भी पूर्व की भांति स्वीकृत किए हैं। ग्वालियर जिले में पिछोर को नई तहसील बनाने का आज कैबिनेट के द्वारा तय किया है, इसमें 54 पटवारी हलके समाविष्ट होंगे और 20 पद इसके स्वीकृत करने के तहसीलदार, नायब तहसीलदार वाले ये नायब तहसीलदार सायग्रेड 2 और इस तरह के तय करने का लिया है। एक SDM अनुभाग मुरैना जिले में पोरसाक में गठन किए जाने का आज तय किया है, इसमें अम्बा तहसील अम्बा के समस्त पटवारी हटके लिए जाएंगे और 12 पद स्वीकृत करने जाने का भी इसमें तय किया है। यहां पर हमारे जो महत्वपूर्ण आज एक निर्णय लिया गया है जिसमें केंद्रीय सहायता राशि हमारे नगरीय प्रशासन विभाग में 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया जा रहा है। इसमें हमारे यहां पर जो सड़कों का उन्नयन होना है नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायतों में,
लाइटिंग, फर्नीचर, शिफ्टिंग, स्ट्रीट लाइट, पुल पुलिया आदि को इस योजना के एमपीयूडीसी स्मार्ट सिटी के द्वारा इस कार्य को किया जाएगा। आज कैबिनेट के द्वारा मंजूरी इसको दी गई है। अतिथि विद्वानों की दृष्टि से भी कैबिनेट ने जैसी घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की थी, अब ये राशि 37,500 से बढ़कर 50,000 रूपया प्रति माह कर दी गई है। 13 आकस्मिक और 3 ऐच्छिक अवकाश भी प्रदान करने का कैबिनेट के द्वारा लिया गया है। एक महत्वपूर्ण निर्णय इसके अंदर लिया गया है, एक अकादमिक सत्र में पद रिक्त होने की स्थिति में स्थानांतरण सुविधा दिए जाने का भी प्रस्ताव। ऐसे अनेक प्रस्ताव जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी वो आज अतिथि विद्वानों का कैबिनेट के द्वारा पारित किया गया है। आज राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को पंचम वेतनमान स्वीकृत करने का जो लंबे समय से उनका राज्य पुलिस सेवा अधिकारियों का था, आज उसको भी स्वीकृति प्रदान की गई है। महिला फुटबॉल में हम अब पैटर्न स्टेट बनने जा रहे हैं और ये काफी महत्वपूर्ण प्लान 5 सालों के लिए बनाया गया है, जिसमें पैटर्न स्टेट प्रोग्राम के संचालन और उसके व्यय को भी स्वीकृति आज कैबिनेट के द्वारा प्रदान की गई है। आज हमारे यहाँ जो कोटवार थे जिनकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी, जिनके पास भूमि नहीं है उन्हें 8,000 रूपये प्रतिमा, जिनके पास 3 एकड़ तक की सेवा भूमि है उन्हें 2,000 रूपये प्रतिमान दिया जाए, जिनके पास 3 एकड़ से 7.5 एकड़ तक की भूमि है उन्हें 1,200 रूपये प्रतिमाह दिया जाए, जिनके पास 10 एकड़ तक की भूमि है उन्हें 1,000 रूपये प्रतिमाह दिया जाए और कोटवारों के मासिक पारिश्रम में 500 रूपये की वृद्धि करने का आज कैबिनेट के द्वारा निर्णय लिया गया है। एक ऐसा वो हुआ है, मेरे ख्याल से पहली बार ही हुआ होगा कि श्योपुर जिला में जो बाढ़ से प्रभावित हो जाते थे हर बार पार्वती नदी के तेज बहाव से आवागमन बंद हो जाता था, वो पूरी की पूरी भूमि की अदला बदली करके गांव बसाने का आज कैबिनेट के द्वारा तय किया गया है। आज कैबिनेट के द्वारा निर्णय में ये लिया गया, उसमें गृह निर्माण मंडल इंदौर के सुखालिया के सर्वे के बारे में भी आज निर्णय लिया गया है। इसी तरह से पटवारियों को एग्री स्टैक सर्वे भत्ता दिए जाने का आज कैबिनेट के द्वारा ये महत्वपूर्ण निर्णय पटवारियों से संबंधित लिया गया है। इस पटवारियों की लंबे समय से यह मांग थी और उस मांग में अब उन्हें एग्री स्टेट भत्ता प्रतिमाह 3,000 रूपया, अतिरिक्त हल्के का भत्ता उसमें भी बढ़ोतरी 500 रूपये की है और 500 के स्थान पर 1,000 रूपया उसको भी किया है। ऐसे 4,000 रूपया अतिरिक्त अब पटवारियों को प्रति माह अब मिलने लगेंगे। एक संबल खिलाड़ी योजना ये श्रम विभाग की है, आज उसको भी कैबिनेट के द्वारा मंजूर की है। इस खिलाड़ी योजना में 25,000 तक प्रदेश स्तर के खिलाड़ी को और नेशनल स्तर के खिलाड़ी को 50,000 रूपया तक का दिए जाने का प्रावधान आज कैबिनेट के द्वारा किया गया है। अतिथि शिक्षकों के मानदेय में भी दुगना वृद्धि अतिथि शिक्षकों के मानदेय में की गई है। इसी तरह से रीवा हवाई पट्टी के विस्तार के लिए जो भूमि अधिग्रहित की गई है उसको मुआवजा करने का भी कैबिनेट के द्वारा मुआवजा दिए जाने का भी निर्णय लिया है। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता भी है कि जल जीवन मिशन को आज जो कैबिनेट के द्वारा क्रियान्वयन के लिए मंजूरी दी गई है, इसमें हम 65 लाख घरों में नल से जल पहुंचा दिया है जो अपने आप में काफी बड़ी है। मतलब 59% गांव में मध्य प्रदेश की सरकार ने जल फिल्टर जल नल के द्वारा जल देने की योजना बनाई है
और आज जो स्वीकृति की है उस स्वीकृति के बाद अब मध्य प्रदेश का ऐसा कोई गांव नहीं बचेगा जिस गांव के अंदर जल से नल नहीं पहुंचेगा। ये योजनाएं जो आज की स्वीकृत है उनको पूरी हो जाते ही मध्य प्रदेश आईटी आईटीईएस ईएसडीएम निवेश संबंधन नीति 2023 जारी किए जाने का भी आज कैबिनेट ने तय किया है। ये बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, बहुत प्रोग्रेसिव पॉलिसी है। लगभग 4,500 करोड़ रुपए के निवेश इसमें आने का प्रस्ताव है और ये काफी रोजगार के अवसर भी हमारे नौजवानों को प्रदान करेंगे। आज लोक परिसंपत्ति विभाग के हमारे जो है उसमें राजस्व विभाग की बाढ़ 60 खसरा 59 सिरोल तिराहा जिला ग्वालियर स्थित भूमि को देने का 15,77,94,000 रुपए में देने का आज तय किया है। इसमें 100% राशि जमा होने के बाद में इसका अनुमंद और रजिस्ट्री की जाएगी। इसी तरह से तहसील मल्हारगंज जिला इंदौर में भी राजस्व विभाग की भूमि को 20,30,75,000 में देने का तय किया है। इसमें 100% राशि जमा होने के बाद अनुबंध और रजिस्ट्री की जाएगी। इसी तरह से भोपाल गैस त्रासदी पुनर्वास विभाग की वार्ड क्रमांक 8 मुंशी अली खान जिला भोपाल की स्थित भूमि इसको भी 2,04,96,000 में 100% राशि जमा करने के बाद देने का कैबिनेट के द्वारा तय किया है। मंदसौर जिले की भुनिया खेड़ी की जमीन जो कि 18,89,72,000 में 100% राशि जमा कराने के बाद में देने का कैबिनेट के द्वारा तय किया गया है। हो गया बड़े आईटी नीति के तहत अब इन्फोसिस लिमिटेड को सुपर कॉरिडोर इंदौर में आवंटित भूमि में से लीज डीड की शर्तों के अनुसार 50 एकड़ भूमि राज्य शासन वापस ले रहा है इन्फोसिस से। और दूसरा है भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय की पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र योजना के अंतर्गत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना का निर्णय भी कैबिनेट के द्वारा आज लिया गया है। अधिमान्य पत्रकारों को आवास ऋण पर ब्याज अनुदान 25 लाख की जगह अब 30 लाख देने का तय किया बोल दिया है। ये इसी तरह से अधिमान प्राप्त पत्रकार के बेटे बेटियों को शिक्षा के लिए बैंक से ऋण पर ये भी बोल दिया 5%।